दोनों टायर अंदर चले गए। अभी जस्ट हम निकले ही थे और यहाँ पर पूरा खुद के पानी था तो दिखा नहीं इसमें, मतलब ऐसे क्यों हो गया हमारे साथ, सब निकल जाए। शिट शिट। सुबह 7:30 होने लगे हैं और बारिश हो रही है मस्त वाली यहाँ पर, इसीलिए हम थोड़ा लेट निकल रहे हैं ताकि थोड़ा अंधेरा हट जाए। तो पहले फटाफट जो है ना अपनी गड्डी नुक कर लेने हैं, कोल्ड स्टार्ट 2 मिनट जब तक सामान डालेंगे, ताकि ये चीज़ थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है यार। बढ़िया चले, चलो शुरू करें फटाफट से एक और सफर। चलो गाइस, आपने टाइटल सब तक देख लिया, हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में बात करते हैं। पहले फटाफट निकले बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:30, बारिश अभी भी हो रही है, निकलते हैं और आपसे बात करेंगे रोड पर। सो गाइस निकलते ही कांड हो गया, गाड़ी फंस गई है गंदी। भैया जी आए हैं अभी हेल्प करने, मगर गाड़ी तो भैया बहुत ही गंदी फंस गई यार, दोनों टायर अंदर चले गए। अभी जस्ट हम निकले ही थे और यहाँ पर पूरा खुद के पानी था तो दिखा नहीं इसमें तो कितना गहरा है, और कुछ कवर भी नहीं कर रखा था यहाँ पर जिससे पता चले कि भाई दिक्कत है कि इतना गहरा गड्ढा है, कुछ लगाना चाहिए था यहाँ पर आगे की तरफ और पीछे की तरफ। यार मतलब ऐसे क्यों हो गया हमारे साथ, निकलते ही एकदम ट्राई कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे भैया आए हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, उमेश भैया भी आ गए हेल्प के लिए, पर बहुत ज़्यादा टायर अंदर जा चुका है। बहुत तुम मिस कर रहे थे ना स्पिति को लव। यार अब जो है देखो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब जैसे भी है होता ही है, यू कांट हेल्प इट राइट। बस ये है कि यार DLF वाले जो काम करते हैं उनको एटलीस्ट यहाँ पे कुछ बैरिकेड लगाना चाहिए था ना, क्योंकि ये नॉर्मल रास्ता है रोज़ हमारे आने जाने का, और बारिश हो रखी है तो पॉटहोल्स भरे हुए हैं, पता भी नहीं इतना डीप खोदा हुआ है, बहुत ज़्यादा टायर अंदर गया हुआ है यार। अगर और ज़्यादा खोदा हुआ होता पूरी गाड़ी अंदर चली जाती फिर ना उधर से। चलो काम जो ख़राब हुआ, बट कुछ ये लोग आए हैं हेल्प के लिए जो कि बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। अब देखो निकल जानी चाहिए गाड़ी, मशक्क़त जा रही है, अब दूसरी गाड़ी लाएंगे इसको पुल करने के लिए। क्या क्या करना पड़ रहा है उमेश भैया, खोदे हैं कि थोड़ा स्पेस मिले और टायर निकले। अब जो हमारी चौथी पांचवी छठी कुछ भी कह लो, वो उम्मीद ये है कि इस गाड़ी में ये हुक से अटैच करके अपनी स्टॉम में लगा रहे हैं और फिर पुल करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ये भी फेल, तार ही टूट गई। सो गाइस अभी ट्रैक्टर आया है गाड़ी निकालने, आपको बाहर से यशवी शॉट्स ले रही है, बट यार खाम का फंसे हुए हैं हम, इट्स 8:30 नाउ, एक घंटा हो गया हमारे को यहाँ फंसे हुए, बट अभी खींच रहे हैं, लेट्स सी शायद निकल जाए, बट बहुत ज़्यादा गंदा फंसे हैं यार। फाइनली अब ट्रैक्टर आए इसको निकालने के लिए यार। बस सब निकल जाए। यू वॉन्ट बिलीव कि ये पांचवी रस्सी आई है, उससे पहले की चारों के चारों रस्सियां टूट चुकी हैं। अब अगर ये टूटी ना तो लिटरली हमें टो करने वाले को ही बुलाना पड़ेगा, दो ये भी DLF वालों ने भेजा है, लेट्स सी।
शिट शिट थैंक गॉड। सो गाइस अपनी सफारी आ चुकी है बाहर, वापस हम अभी घर पे ही लेकर आए हैं इसको, कि थोड़ा सा चलो धो लेते हैं, थोड़ा एक बार चेक करते हैं आगे। वैसे ठीक है चला के मैं लाया हूँ, बट निकल आई यार। टाइम क्या हो गया अब, 9 बजे के ऊपर हो गया, लग गया हमें 2 घंटे। मैं इतना तैयार होके बाल हाँ बारिश में भीग के खड़ी है, ड्रायर से सेट कर, पापा भी आ रखे हैं देखो नीचे, अभी हम वहीं से गाड़ी लेकर आए हैं। बस एक बार अब थोड़ा सा इसका ना टायर वायर धो के फिर बताते हैं क्या सीन है आगे का। चदरा बाहर आ जाएगा सर, एक ही पेच है, एक पेच है, खोल देता हूँ, ठीक रहेगा। चलो फाइनली निकल रहे हैं, थैंक यू भैया, आपकी वजह से जा पा रहे हैं आज। चलो भाई निकले। तो गाइस फाइनली वी आर ऑन रोड, बट यार बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बस ये लग रहा है रुक जाए, क्योंकि कल हमारी सफारी भी है। कल वैसे फोरकास्ट में नहीं दिखा रहा, सो वी आर होपिंग कि नाउ 7.5 घंटे अभी भी दिखा रहा है, एंड इट्स राइट नाउ 9:30। चलो अपनी पेट पूजा से पहले गाड़ी की पेट पूजा करा रहे हो, करानी पड़ेगी यार। वैसे हमारे पास आधे टैंक से थोड़ा कम है, बट यहीं पर डलवा लेंगे। राइट नाउ 9:50 हो गया है, बट सोच रहे हैं यार फुल टैंक करा के ही चले ना, फिर ना एक टेंशन नहीं रहती कि यार पेट्रोल लेना है अभी, डीजल इनफैक्ट। चलो भाई यहाँ पर है 86 डीजल। कितने का टाइम है? हाँ अब टाइम था तो सोचा कंघी कर लूँ, इतने अच्छे से सेट किए थे बाल, बारिश में सारे भीग गए मेरे वीडियो बनाने के चक्कर। ओके बाय, बस बहुत लंबा हो गया तेरा सेगमेंट। गाइस बारिश देखो यार, मतलब हद हो गई है बारिश की, पानी इतना बुरा भरा हुआ है। बट गुड पार्ट इज कि हम बस अभी अपना मेन हाईवे चढ़ने ही वाले हैं, बस राइट हैंड साइड पे ऊपर चढ़ जाएंगे, बस उसी का गेट है, पर वो चढ़ जाए तो थोड़ा रिलीफ आएगा। कि रोड कंडीशंस भी नीचे की तरफ ना को पता ही कैसी होती है अगर आप हाईवे के साथ चल रहे हो, बस यहाँ से ऊपर चढ़ना है। बट बहुत ज़्यादा पंगा है भाई विजिबिलिटी का, आराम आराम से जाना पड़ेगा, और वैसे ही हम लेट चल रहे हैं, तो लेट्स सी। बट ये आ गए अपन हाईवे पे, फटाफट चढ़ रहे हैं ऊपर। यार फाइनली हम लोग कुछ खाने के लिए रुकेंगे, 10:30 हो गया। प्लस आप लोग ये चीज़ सोचो यार, हम सुबह से कितना बुरा फंसे हुए हैं और बारिश ने हाल ख़राब करा, अभी इस जगह पे बारिश नहीं है। सो रजवाड़ा है जगह का नाम, अच्छी जगह है, लिखा भी उन्होंने सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें तो अच्छा है, यहीं बैठते हैं ताकि वॉशरूम वगैरह भी जाना है यशवी को, यहाँ से खा के फिर एक ही बार गाड़ी खींचेंगे, क्योंकि हमारे को और टाइम लगने वाला और अंधेरा हो जाएगा जब तक हम पहुँचेंगे, तो जल्दी से करते हैं। दूसरी चीज़ ये यार, व्लॉग में ये वाला यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि सीन ऐसा है यार काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है ये वाला ब्लॉग एनीवे, क्योंकि सुबह तो सीन हुआ उस वजह से, तो इसके बाद यहीं से शुरू होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे, आपको पता चल ही गया होगा, वैसे अगर नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो अगले ब्लॉग तक पता चल ही जाएगा, देखते रहना पूरी सीरीज़ को, वैसे ही प्यार देना जैसे आपने हमारी पिछली कॉर्बेट वाली सीरीज़ को दी, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसा ही सीन होने वाला है इसमें भी, है ना। मैं बोलने ही वाली थी, चलो आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक जरूर करना, और वीडियो थोड़ी अच्छी खासी ठीक ठाक लग जाए तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।